फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी। धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने धनिया को पहले से धो के अच्छे से बारीक काट के रखा हुआ है। एक कच्चा आम लिया हुआ है हमने, इसको भी काट के रखा हुआ है धो के। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हुई है। नमक दिया हुआ है टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। 1 पिंच हींग लिया हुआ है। 1/4 टीस्पून हमने जीरा लिया हुआ है। जीरे को हमने भून के रखा हुआ है। ये हमने पुदीना लिया हुआ है जिसको हमने धो के रखा हुआ है। इसकी हमने पत्तियाँ निकाल रखी हैं ना। और ये हमने पानी लिया हुआ है चटनी को पीसने के लिए। ये हमने धनिया से 1/4 हमने इसका जितना धनिया है हमारा उसका 1/4 हिस्सा हमने पुदीने का लिया हुआ है। अगर हमारा धनिया 1 किलो है तो हम उसमें 1 पाव पुदीना डालेंगे। पुदीना हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारी चटनी वरना कड़वी हो जाती है, इसलिए हमें इसका 1/4 हिस्सा ही रखना है धनिया का। सबसे पहले हम एक जार लगाएंगे मिक्सी में और हम इसमें अब हरी मिर्च जो हमने कच्चा आम काट के रखा हुआ है उसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। सभी हमें मसालों को भी इसमें मिक्स कर लेना है। पुदीना डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। पानी हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमें सारा धनिया पीसना है थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। चेक कर लेंगे इसको एक बार। अभी हमें इसको और बारीक पीसना है। ये हमारी पीस चुकी है। अब हम इसको अलग निकाल लेंगे एक बाउल में। इसी तरीके से हमें और धनिया डालकर पीसना है इसमें। आप जार के हिसाब से ले सकते हैं इसमें धनिया। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसको भी इसी तरीके से पीस लेंगे। थोड़ा धनिया इसमें और ऐड कर लेंगे हम। थोड़ा पानी डाल लेंगे फिर इसको। चटनी हमारी सारी पीस चुकी है। अब हम इसको स्टार्टिंग में जो हमने मसाले मिक्स किए थे उसमें अब इसमें ही ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कच्चे आम, हल्दी, हरा धनिया, पुदीने की चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको खाने के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।